टीवी पे न्यूज भी आ जाएगा कि छिड़काव हो रहा है, कहाँ छिड़काव हो रहा है, छिड़काव होता है सर। डेंगू का तो बताइए मत, हम खुद हम पीड़ित है उसमें, पीड़ित अपना देखता है। जहाँ जहाँ मेरा वोटर उधर गया, धुआं धक्कड़ दिखा दिया, चलो हो गया। काटा जब तो फिर डर लग रहा है कि डेंगू काट लिया है। काट लिया है ये तो, कितना बार काटा है, इसलिए कुछ होता है नहीं हमको। काटता है, फूल जाता है, पर करीब करीब 10-15 मिनट तक बहुत नोचता है। सब झूठा है, सब झूठा है, कोई काम नहीं कर रहा। छिड़काव हो रहा है, कुछ नहीं, कहाँ देख रहे हैं कहीं छिड़काव चल रहा है। इतनी भारी VIP कॉलोनी है, जो कि कंकड़वा कॉलोनी एशिया का बड़ा कॉलोनी कहा जाता है, कितना खराब दिखाई दे रहा है। देखिए एक से एक VIP लोग, यहाँ बड़े बड़े अफसर लोग रह रहे हैं। नगर निगम का दावा जगह पे होगा छिड़काव, सिर्फ बड़ा बड़ा जगह पे होगा, यहाँ नहीं होने वाला है सर। यहाँ होता तो ये हाल रहता, बताइए आप ही। छोटा जगह है, छोटा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए ना कहाँ हो रहा है छिड़काव। सिर्फ नाम टीवी पे न्यूज भी आ जाएगा कि छिड़काव हो रहा है, कहाँ छिड़काव हो रहा है, छिड़काव होता है ये सब। नगर निगम के साथ दावे का अलग चीज़ है, जहाँ दिखावा जाएगा दिखाया जाएगा वहीं पर होगा, बाकी हम लोग तो यहाँ रहते हैं, कहाँ कुछ होता है, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। देखिए ये हालत है, बताइए आप ही। यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सवेरा हॉस्पिटल, उसके नीचे इतना ज़्यादा कचरा है कि लगता है कि सारा कचरा यहीं से जा रहा है। क्या डेंगू का आती है? अब डेंगू का नाम सुनकर कैसा लगता है सर? डेंगू का तो बताइए मत, हम खुद हम पीड़ित है इसमें, पीड़ित है हम। अभी खुद 2 दिन पहले ठीक हुए हैं हम, क्या बताएं तब। अच्छा गाड़ी इधर आ जाए। डेंगू पटना में जिस तरीके से पाँव पसारा, कैसे देख रहे हैं आप तो युवा, और किस वार्ड से? देखिए बात यह है कि जब इतना सारा कचरा है, जब पटना इतना बड़ा शहर है, इस शहर में इतना बड़ा कचरा है, इतना कचरा का ढेर है, जबकि यहाँ पर बहुत सारा पार्टी, तो इतना कचरा होकर के जब पटना की स्थिति है, तो बिहार के और जिला की स्थिति क्या होगी, ये सोचना चाहिए। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो पहले स्वच्छता के क्षेत्र में बढ़ाना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना होगा, तो ये सब ऑफिसर सबको नहीं ध्यान में आएगा। सरकार और नगर निगम का तो दावा है कि डेंगू से निजात दिलाने के लिए लगातार पहल किया जा रहा है। पहल किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं ना, देखिए आप सड़क के चारों साइड में दिख रहा है कि हाँ कितना इसके लिए किया जा रहा है। जिधर देखिए पटना के सड़क में, उधर कचरा मिलेगा, उधर आपको मिलेगा ये ठेहुना पर, और जहाँ जाइए बारिश में गिर जाइएगा और गोड़ हाथ पैर टूट जाएगा, यही है पटना में। तो आप लोग कहीं गए नहीं इसको लेकर के आवेदन? आप लोगों ने आवेदन वार्ड पार्षद को दिया जाता है, लेकिन इधर का वार्ड पार्षद जो सुनता है, अपन अपन एरिया देखता है, देखता है कि इधर वोटर नहीं है ना, तो इधर आता ही नहीं है। वो अपना देखता है जहाँ जहाँ मेरा वोटर उधर गया, धुआं धक्कड़ दिखा दिया, चलो हो गया। क्या लग रहा है भैया पटना मतलब डेंगू? हाँ डेंगू पटना में बहुत डेंगू फैल गया है, कचरा देख ही रहे हैं, साफ सफाई में पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार भी अपने काम पर नियंत्रण फोकस कर रही है, लेकिन जिसको जो जिम्मेवारी दिया जाता है वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा। साफ सफाई कमी में देखी जा रही है, साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण डेंगू अपना प्रकोप फैलाता जा रहा है, जिससे पटना वासी शहर हो और पटना में आने वाले कई लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए और साफ सफाई कर्मचारी समय पर नियमित रूप से साफ सफाई करे और दवाई का छिड़काव करे, जिससे मतलब मलेरिया मच्छर पर मतलब इस पर काबू पाया जा सकता है। साफ सफाई रहना चाहिए। नगर निगम के कर्मी आते हैं कि नहीं साफ सफाई करने? कर्मी आते नहीं, लपाता रहते हैं। तो दूर यहाँ वार्ड पार्षद भी नहीं है, ये हम लोग जहाँ खड़ा है ये वार्ड 35 का इलाका है, और ये जो वार्ड पार्षद का इलाका वार्ड 35 का है, जो कि यहाँ पे सिर्फ वोट के समय लोग आते हैं, पार्षद प्रत्याशी या पार्षद, लेकिन ऐसे अमदीना इसको देखने वाला कोई नहीं। अगर देखने वाला होता तो आप ये देख लीजिए ना, इनकी स्थिति रहता, यहाँ निगम तक भी पूछने वाला नहीं है। ये पटना शहर का विकराल रूप जो अभी है, पूरे गली मोहल्ले में इस तरीका का, हर वार्ड में ऐसा ऐसा, हर 10 रोड है जहाँ पे एकदम विकट परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। तो देखिए पटना में जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार जारी है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और चिंता का विषय ये है कि नगर निगम जो दावे कर रही है, सरकार जो दावे वादे और बयान दे रही है, वो धरातल पर कितने सच हैं, वही जानने हम निकले भी हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। इन तमाम लोगों का कहना है कि नगर निगम जो वादे कर रही है, जो दावे कर रही है, वो कहीं भी धरातल पर सच होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए हम तमाम लोगों से जुड़ी रहे हैं और इसी कड़ी में इनसे भी बातचीत करेंगे। डेंगू का कहर लगातार पटना में जारी है। हाँ सर, इधर करीब मोटा मोटी 10 दिन से जो है डेंगू का मच्छर जो है बहुत चला हुआ है। हाँ। हमें भी आज देखिए यहाँ पर ही काटा हुआ है, जो अभी फूला हुआ है तत्काल, आप देख सकते हैं। बाप रे बाप, बहुत फूल गई तो डेंगू ने तो कुछ और काट, इसलिए। और यहाँ देख ही रहे हैं कि गंदगी इतना है कि कुछ कहे कि नहीं है। नगर पालिका का आदमी जो है सही से सफाई नहीं करता है, खाली बस ऊपर झापड़ सफाई करता है। अच्छा ये काटा जब तो फिर डर लग रहा है कि डेंगू काट लिया है? काट लिया है ये तो, कितना बार काटा है, इसलिए कुछ होता है नहीं हमको। ये काटता है, फूल जाता है, पर करीब करीब 10-15 मिनट तक बहुत नोचता है।
नोचनी वहाँ बहुत लगता है और वो धीरे धीरे फैलता है फिर ठीक हो जाता है, पर ज़्यादा काटेगा इस बार काटा तो डेंगू का डर लगता है। हाँ नहीं, और ज़्यादा काटेगा तो ऑटोमेटिक है कि डेंगू हो ही सकता है। ज़्यादा काट लेगा। हाँ ज़्यादा काटेगा। अब एक जगह नगर निगम जो कहती है कि हम साफ सफाई अभियान चलाते हैं, मेडिसिन या छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग हो रहा है, ये तमाम चीज़ें की जा रही है, क्या लगता है नगर निगम कर रही है? देखिए सर, ये नगर निगम करता है, सफाई करता है, पर बात है कि वो मेन रोड में सफाई करता है कि जहाँ से गाड़ी गुजर रहा है लाखों संख्या में वही रोड साफ सफाई रहता है। बाकी उस रोड के बगल में जो भी रोड है जिसमें कम गाड़ी घोड़ा जा रहा है वहाँ पर ही वो सफाई ढंग से नहीं करता है और दवाई भी नहीं छींटता है। गली मोहल्ले में नहीं, आप देख सकते हैं इसके बगल में सब्जी मंडी है, वो रोड साफ दिखेगा, कचरा नहीं दिखेगा, पर ये देखिए उसके बगल में है, दोनों साइड कचरा पानी जमा हुआ है। तो आपने सुना, खैर लाइफ सीरीज के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।